भैया हमें तो आप ब्रांड का आरओ दे दीजिए, असेंबल्ड वगैरह ये जो आपके रखे हमें ये नहीं चाहिए, ब्रांड का दे दीजिए। जो आप ब्रांड में टॉप मॉडल हो दे दीजिए, जो ब्रांड हो आपके पास कोई भी ब्रांड चलेगा, एक्वागार्ड चल जाएगा, प्यूरिट चल जाएगा, एलजी चल जाएगा, लिफ्टवेल, वर्लपूल, फेबर, कोई भी ब्रांड चल जाएगा, बड़ा ब्रांड कैंट चल जाएगा, कोई भी। हम एक बार ब्रांड ले लेंगे, ख़त्म कहानी। आपको जो टॉप मॉडल हो भैया वो दे दो आप, तो अपनी तरफ से हम वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि ब्रांड का ले लेंगे एक बार, तो उसके बाद कई साल छुट्टी। अच्छा अच्छा ये 20,000 रुपये का दे रहे हैं आप, ठीक है 20,000 रुपये का आप ये दे दीजिए और पैक करवा दीजिए हमें ये। और इंस्टॉल कब तक हो जाएगा? अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आप इंस्टॉल करवा दीजिए, कंपनी की तरफ से ही होएगा इंस्टॉल, ठीक है। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ब्रांडेड आरओ लेने के बाद रिपेयरिंग या मेंटेनेंस सर्विस कुछ आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा? आप 20-25,000 रुपये कंपनी का आरओ लेके उसको पे कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 25,000 रुपये लगा दिए, 20,000, 15,000, 10,000 में भी आ रहे ब्रांड के आरओ, तो उसका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। मेंटेनेंस कॉस्ट रहता ही रहता है हर आरओ का, चाहे आप असेंबल लीजिए या ब्रांड का लीजिए आप, तो मेंटेनेंस कॉस्ट सबका रहेगा, कोई सा भी आप ले लीजिए आरओ। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि एक साल तक आप फ्री हो जाते हैं आरओ लेके, और आरओ लेने के बाद आपको एक साल तक कंपनी को आप कोई पैसा नहीं लेती कंपनी, या कुछ कुछ केस में ले भी लेती है कोई कोई कंपनी, सबके अपने अपने पॉलिसीज है। पर असेंबल्ड में तो क्या बार बार खर्चा देना पड़ेगा, और क्वालिटी भी मालूम नहीं कैसी आएगी, विश्वास नहीं कर सकते क्वालिटी का, तो वो थोड़ा सा कस्टमर को रहता है। हमें हमारे काफ़ी कस्टमर्स का ऐसा रहता है कि हम ब्रांड का आरओ ले लेते हैं तो कम से कम 3-4 साल निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है आपका एक साल होने पे आरओ सर्विस मांगेगा, आरओ के अंदर जो मेन चीज पार्ट्स होते हैं उनकी भी एक साल बाद वारंटी जो है, चाहे कोई भी असेंबल भी हो, वारंटी एक साल बाद ख़त्म हो जाती है। सर्विस अच्छी मिल जाती है आपको ब्रांडेड आरओ में, क्वालिटी तो मिलती ही मिलती है, पर एक साल के बाद क्या, आपने ये मत सोचिए कि 3-4 साल, एक साल के बाद जब आपके पास मेंटेनेंस आएगी तब आप कहेंगे असेंबल्ड वाले के पास चलते हैं, जो असेंबल्ड वाला दे रहा था वो सस्ते में कर देगा, कंपनी वाले तो 2500, 3000, 4000 रुपये खर्चा आ रहा है, एक्वागार्ड का हमने ले लिया है, जो भी ले लिया मॉडल, इतने में तो असेंबल्ड वाला हमें असेंबल्ड का ही दे रहा था 1000-2000 रुपये ऊपर लगा के, 5-6 हज़ार में हम तो असेंबल्ड वाला ले लेते हैं, या इसी को करा लेते हैं, लेके चल लेते हैं, इसका कुछ हो जाएगा। तो ये केस बहुत सारे आते हैं हमारे पास, और होता क्या है बाद में जो ब्रांडेड आर होते हैं उसमें आप असेंबल्ड वाले जो फिल्टर्स लगा के दे रहे हैं, चाहे वेव का या कोई भी कंपनी, आप जो देख रहे हैं कैंट के आजू बाजू जो भी फिल्टर आर ओ लग रहे हैं, यही फिल्टर इनमें लगवा लेते हैं अक्सर ज़्यादातर लोग, क्योंकि कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा हाई रहती है कि 20,000 तो अभी एक साल पहले लगाए हमने, सबसे टॉप मॉडल ले लिया, 15,000 लगा दिए, और अभी एकदम से खर्चा, तो कस्टमर आपका खर्चा जो है वो हो जाता है। अगर असेंबलिंग में आप करवाते हैं तो 500 रुपये में भी कई बार काम निपट जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये, तो 500 से 1500 रुपये में आप फ्री हो जाते हैं, पूरा आरओ आपका वैसा का वैसा ही चलता है एक साल, और फिर 1-2 साल और वो आपका ज़्यादा ज़्यादा 2 से 3 साल आपका ब्रांडेड आरओ चलता है, उसके बाद दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कोई ब्रांड ऐसा होता है उसके पार्ट्स नहीं मिलते, एलजी हो गया या प्यूरिट हो गया, उसके हर दुकान पर नहीं मिलते, वो आपको कंपनी से ही लेने पड़ते हैं, मिल जाते हैं लेकिन हर जगह नहीं मिल पाते, कहीं कहीं दिक्कत आती है कस्टमर्स को, तो ये थोड़ा दिक्कत रहता है। सो आप जो चीज़ है आप हमेशा अगर आप ले कैंट का लीजिए, अच्छा है क्वालिटी, देखिए प्रीमियम है, क्वालिटी की कोई बुराई नहीं है, और मैं किसी ब्रांड की बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन एक थोड़ा थिंकिंग आपके साथ शेयर कर रहा है कि लोगों का थोड़ा ऐसा रहता है कि हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना। मेंटेनेंस आप कैंट का मान के चलिए आपके कम से कम 2-2500 रुपये तो कम से कम आपका एक साल बाद लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसमें सेडिमेंट कार्बन ही आप देख लीजिए 500-500 रुपये के सेडिमेंट कार्बन आते हैं, या फिर और कोई अदर ब्रांड, आप एक्वागार्ड की किट का आपको प्राइस मालूम, मैं आपको बता दूँ, आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी, तो इनका प्राइस ही करीब करीब किसी किट का, मतलब मॉडल टू मॉडल वेरी करता है, 2500-5000-6000 तक जा रहा है आजकल, डिजिटल किट आ रही है इनकी, वो इलेक्ट्रिक वाली जो किट आती है, फिल्टर्स रहते हैं, चिप वाले फिल्टर्स रहते हैं, सॉरी, तो चिप वाले फिल्टर्स की किट ही 5-5-6-6 हज़ार रुपये जा रही है, तो इतने में तो नया असेंबल का आरओ ले ले भाई हम 1000-2000 रुपये ऊपर लगा के, थोड़ा ऐसा रहता है।
तो ये चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क रहता है। तो आप कभी भी ब्रांडेड आरो लीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, पर ये सोच के मत लीजिए कि आपको 3-4 साल तक कुछ मेंटेनेंस पे नहीं करना पड़ेगा। एक साल बाद या 1.5 साल बाद जब आपका आरो अगर आप सर्विस नहीं कराओगे तो उसके बाद उसके आपके पास वैसे तो खैर खर्च मेंटेनेंस हैवी होता ही है थोड़ा सा, और अगर आप सर्विस उसको नहीं कराते कि हम तो 2 साल तक नहीं कराते, हमने पानी यूज़ इतना नहीं किया, तो मैं आपको बता दूँ फिर आपका मोटा खर्चा और ज़्यादा हो जाता है। उसमें जब 4-5 हज़ार रुपये खर्चा जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि असेंबलिंग वाले ही लोकल पार्ट्स लगवा लें। तो इसलिए अगर आपका आप इस पर कैंट का या कोई भी ब्रांड का आरो आप सोच समझ के लीजिए, क्वालिटी अच्छी मिलेगी, सर्विस कंपनी की अच्छी, आप एक कॉल करोगे आपको माल मिल जाएगा, आपको घर बैठे बैठे माल मिल जाता है कैंट वगैरह ब्रांडेड आरो। मैंने आपके सामने मेरे पास सिर्फ कैंट इसलिए दिखा रहे हैं, एक्वागार्ड LG वगैरह काफ़ी कंपनीज आती है जो असेंबल्ड का है। मैं आपको बता दूँ क्वालिटी इसमें भी अच्छी अच्छी आती है, आप मार्केट में पता करेंगे। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा लेकिन आपको चीज़ बता रहा हूँ, कैंट वगैरह ब्रांड के बारे में आपको बता दिए, घर बैठे मिल जाएगा आपको, आप हमें भी ऑर्डर कर सकते हैं या कहीं से भी ले सकते हैं, आपके आसपास मॉल होगा वहाँ भी मिल जाएगा आपको ब्रांडेड आरो। जैसे ये वेव के आरो आते हैं आप देख रहे हैं कैसा शानदार मशीन है, तो ये सारी आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ। या फिर प्योरोसिस का आप देखिए, प्योरोसिस का है, कैमलिन है, ये आपने नाम कम सुना होगा या हो सकता है कोई सिटी में ज़्यादा भी चल रहा हो। तो ये आजकल मशीन्स क्या बनी बनाई आ रही है, फैक्ट्री मेड आ रही है, इसमें टेक्नीशियन का कोई रोल नहीं रहता या दुकानदार का कोई रोल नहीं रहता। जैसे कैंट की मशीन फैक्ट्री से बनकर आती है और रीचेक भी होती है कई कई बार कई स्टेजेस पर, ऐसे ही जो वेव की मशीन है या अदर मशीन है वो भी सारी कई कई बार चेक होती है और उसके बाद हमारे स्टोर पर आती है। तो क्वालिटी जब कंपनी खुद लगाती है तो उसमें क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता और हैवी टू हैवी क्वालिटी की पार्ट्स लगते हैं। जैसे कि अभी आपको वेव का दिखा दे तो इसमें एक कंपनी ने यूवी लगा के दिया हुआ है, डिजिटल डिस्प्ले है और साथ में सेडिमेंट कार्बन और मेम्ब्रेन है टोटल। इसमें आप अल्कलाइन ऐड करवा सकते हैं, वो वाला मॉडल भी मिल जाता है साथ में। जैसे आप प्योरोसिस देख रहे हैं ये अल्कलाइन वाला ही है आरो, इसमें भी हैवी क्वालिटी के फिल्टर्स कंपनी ने लगा के दिए है। ये आ जाते हैं कैबिन के भी कई मॉडल्स है, सिर्फ ये 3 नहीं है, काफ़ी मॉडल्स आते हैं इसमें। नेक्सस का भी आप ले सकते हैं और फिलमैक्स का ले सकते हैं, Z Plus का ले सकते हैं, Z Fresh का जो एलाइट मॉडल आता है, मस्क मॉडल आता है वो भी ले सकते हैं, फिनप्योर ले सकते हैं प्योरोसिस का ही। सो काफ़ी मॉडल्स आते हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि असेंबल्ड भी आज की इंडस्ट्री आज के टाइम में ऐसा हो चुका है कि इंडस्ट्री जो है 2 हिस्सों में हो चुकी है। एक तो ये कि आप उसको बनवाते हो या आपको कस्टमर या दुकानदार जो है टेक्नीशियन या दुकानदार वो आपको बना के देता है मशीन, एक तो वो हो गया। उसमें आप हैवी क्वालिटी आपको नॉलेज है, आप सामने के सामने बनवा सकते हो या विश्वास पे आप ले सकते हैं। और एक आती है कंपनी की तरफ से फिटेड मशीन आती है पूरी की पूरी सील पैक, तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे कि अब ये देखिए आप वेव की मशीन है या प्योरोसिस की मशीन है, तो ये पूरी की पूरी कंपनी फिटेड है, कैमलिन की है, ये मर्लिन का ब्रांड है कैमलिन जो है, तो ये सारी फिटेड कंपनी फिटेड मशीन आती है फैक्ट्री से बनी हुई। सो आप इन पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, ले सकते हैं। इनका बस थोड़ा सा ये रहता है ब्रांड से थोड़ा मैं आपको बता दूँ, इनका जो है सर्विस या कभी भी आपको कुछ इशू आएगा तो आपको टेक्नीशियन को ही अप्रोच करना पड़ेगा या आप जिस दुकानदार से ले रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि वो हैंडल कर लेगा तो कुछ भी इशू आएगा तो। सो इस हिसाब से आप उनसे ले सकते हैं। और मेंटेनेंस कभी भी होगी आप उनको कॉल कर लीजिए, बस आपको थोड़ा बहुत शायद चार्जेबल रहेगा या कहीं कहीं हो सकता है प्राइस के हिसाब से वो इंक्लूडेड होगा आपका सर्विस आफ्टर सेल सर्विस का। सो थोड़ा ये रहता है, लेकिन क्वालिटी और पानी की क्वालिटी अगर अपन देखते हैं तो सेम टू सेम ही मिलती है आपको। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच।